हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बुक रिव्यू, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और बीएड और एमएड में आपको बनाना होता है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बीएड में हैं या एमएड में हैं, तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बुक रिव्यू कैसे बनाया जाता है और आप इस वीडियो को देख के पढ़ के आप खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे बुक रिव्यू बनती है। तो सबसे पहले इस बुक का नाम क्या है मैं बता दूँ, दूसरी परंपरा की खोज, जिसके राइटर हैं नामवर सिंह। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू एंड पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं फाइल्स अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए, जो आपके लिए ही ईजी होगा। ठीक है, तो अगर आप को और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं श्योर हूँ कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप जब बुक रिव्यू बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आप प्रारंभिक सूचना लिख देंगे, जहाँ पर शीर्षक का नाम होगा, लेखक का नाम होगा और कहाँ पब्लिश हुई थी, क्या प्राइस है, वो सारी डिटेल्स आप पहले पेज पे लिख देंगे। और हाँ, उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा जब बुक रिव्यू, तो सबसे पहले आप एक इंडेक्स ज़रूर बना लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करने के बाद एक इंडेक्स बना लीजिएगा। ठीक है, बुक रिव्यू में एक्चुअली आपको करना क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, कोई भी आप अगर बुक लेते हैं आपकी मनपसंद की, उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ के ये समझिए कि आखिर बुक में हर एक चैप्टर में कहा क्या गया है, कहानी क्या है, निष्कर्ष क्या उसका निकलता है, सीख क्या मिलती है। ठीक है, हर एक चैप्टर में बात क्या कही गई है, तो उसको पूरा एनालाइज करके पढ़ कर आप अपने शब्दों में समराइज करके लिखेंगे। आप डिक्टो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने शब्दों में हर एक चैप्टर को समराइज करके लिखेंगे, दैट इज़ बुक रिव्यू। ठीक है, बहुत इजी है, आप पूरा वीडियो को देखिए। पेज नंबर क्या है वो सब कुछ यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये बुक रिव्यू खुद से समझ के अगर आप लिखेंगे ना, तो उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप वाइवा में एग्जामिनर के सामने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आपको वाइवा में, मैं बता दूं कि वाइवा में बुक रिव्यू अच्छे से प्रेजेंट करके लेके जाइएगा, अच्छी सी हैंड राइटिंग में। डजेंट मैटर मैं कैसे आपको दिखा रही हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा और लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो बुक को भी आपको ले खाली बुक रिव्यू अच्छे से प्रेजेंट करके लेके जाइएगा, तैयार करके लेके जाइएगा, कि आप जो भी चैप्टर्स लिख रहे हो तो आपको पता हो कि हर एक चैप्टर में कहा क्या गया है, कि एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछें कि शीर्षक का नाम क्या है, लेखक का परिचय कुछ बताइए, तो वो ऐसे भी आंसर आपसे कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा वीडियो आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। और अगर आपको बुक रिव्यू और भी चाहिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे और भी बुक रिव्यू अपलोडेड हैं। सारे चैप्टर्स को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा।
और बीएड वालों के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और एमएड वालों के लिए भी कुछ कंटेंट और वीडियोस अपलोडेड हैं, आगे भी मैं अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल सके। आप वीडियो को फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, कहीं आपके लिए ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ने के लिए पॉज भी कर सकते हैं।